हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई थी? जो प्राइवेट सेक्टर में बैंक स्थापित करने की अनुमति जो प्रदान की गई थी, वो नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुई थी। ये अवस्थित है, ये कहाँ पे स्थित था उस समय? झांग जगह थी पंजाब में, जो अब पाकिस्तान में पहुंच गया है। अविभाजित भारत का पहला बजट 1946 में किसने प्रस्तुत किया? तो ये कौन थे? आर के कृष्णमुखम शेट्टी। 1946 में पहला बजट इन्होंने पेश किया था। भारत प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई? भारत प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी कहते हैं, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन है? शून्य आधारित बजट तकनीक जो है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है। भारत में रुपए का अवमूल्यन प्रथम बार कब हुआ? प्रथम बार अवमूल्यन जो हुआ, वो 1949 में। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? जो भारत की राष्ट्रीय आय, उसकी गणना CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। भारत में छुपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है? कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से। उसके बाद है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो था, वो 15 मार्च 1948 को पारित हुआ था। प्रमुख बिहू रचना के रूप में किस पंचवर्षीय योजना में महिला अंश योजना प्रारंभ की गई? तो ये योजना थी 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। केंद्र व राज्य वित्तीय विवादों का निपटारा कौन करता है? केंद्र व राज्य के वित्तीय विवादों का निपटारा वित्त आयोग करता है, जो अनुच्छेद 280 में दे रखा है। एक वेब आधारित अथवा API आधारित प्रणाली जो विभिन्न प्रकार के अकाउंट, जैसे बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड अकाउंट आदि की सूचनाओं को संग्रहित करती है, को क्या कहते हैं? अकाउंट एग्रीगेटर कहते हैं, या इंग्लिश में उसे कहते हैं फाइनेंशियल डाटा एग्रीगेटर। भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया है? तीन किसान प्रकार के किसान होते हैं, मार्जिनल फार्मर या और स्मॉल फार्मर और बिग फार्मर। तो जो छोटे फार्मर्स होते हैं, उनकी भूमि 1 हेक्टेयर से लेकर अधिक होती है और 2 हेक्टेयर से कम होती है, तो उन्हें कहते हैं हम स्मॉल फार्मर, और यानी छोटे किसान। और जो सीमांत किसान होते हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है, उन्हें हम सीमांत किसान कहते हैं। भारतीय संविधान ने सरकार की विकास ऋण नीतियों का प्राथमिक उद्देश्य माना। विकास की जो नीतियां हैं, वो उसको प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय है। कैपिटल गेन टैक्स किस वस्तु पर लगाया जाता है? कैपिटल गेन टैक्स जो होता है, वो संपत्ति पर लगाया जाता है। निजी क्षेत्र के बैंकों में सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा स्थापित की। निजी क्षेत्र के बैंकों की बात करें तो सबसे पहले चीन में एक्सिस बैंक ने अपनी शाखा स्थापित करी। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी? यह है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी? तो यह थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। भारत सरकार ने विदेशी योगदान की स्वीकृति और विनिमयन के उद्देश्य से विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम कब लागू किया? तो ये है वर्ष 1976 में। भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो ये प्रणाली है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था, ग्रामीण सहकारिता पर आधारित है। वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थान सिफारिश पर स्थापित किए गए थे। कहाँ किए गए थे? मालेगांव समिति जो थी, उसकी सिफारिश पर किए गए थे। क्या? सूक्ष्म वित्त संस्थान, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन।
भारत में तेजी से नगरीकरण होने की वर्तमान प्रवृत्ति का क्या कारण है? तो इसका कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों की कमी। भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्य को कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है सेबी, SEBI। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर देश में कब शुरू गई? NEFT जो होती है बैंक में, वो अक्टूबर 2005 में शुरू हुई। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था नोटिस टीन ने। फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन पर बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी रंगराजन। अगला है, बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू की गई? तो ये की गई थी 14 जून 1995 को। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP कब शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 1952 को। भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन सरकार ने कब किया था? तो ये किया था 15 जुलाई 2010 को, जो मुद्रा का प्रतीक है हमारी भारतीय मुद्रा, रुपए का। शराब पर उत्पादन शुल्क लगाया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है? ये लगाया जाता है राज्य सरकारों द्वारा। और किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है? तो इस प्रणाली को क्या कहते हैं? शून्य आधारित बजट कहते हैं।